जय हिंद। किसी भी एंड्राइड फोन में इस तरह का स्वाइप अप सेटिंग आप करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर आ जाना। होम स्क्रीन में आने के बाद प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही प्ले स्टोर ऐप को ओपन करता है, आपको सर्च बार में टाइप करना है बटन क्विक सेटिंग। जैसे ही सर्च करते हैं दोस्तों, आपके सामने ये ऐप आ जाता है, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाता है। तो आपको यहाँ पे टैप टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टैप टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको सीरीज नोट रनिंग यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एसेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ड्रॉ ओवरले का ऑप्शन आता है, तो आपको इस पे भी क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पे बटन क्विक सेटिंग वाले ऐप पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद टैप टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको फाइनली आपका सेटिंग हो चुका है। उसके बाद आपको बैक कर देना है। तो यहाँ पे आपको स्वाइप अप करना है। जैसे ही स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, डेटा वगैरह सभी का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से डेटा को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये वर्क कर रहा है 100%। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में डेटा स्वाइप अप सेटिंग कर सकते हैं, अपने मुताबिक उसे सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।